फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर और इजी डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, जेंट्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। और इस डिज़ाइन के लिए हमें 4 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे चाहिए। तो मैंने इस सिलाई में 30 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारी के लिए लिए हैं और ये टोटल 32 फंदे हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 2 फंदे सीधे बुनें, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुनें। ये 4 फंदे हो गए। नेक्स्ट, इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने ये सभी फंदों को बुन लेना है। 2 सीधे, 2 उल्टे, धागा पीछे, फिर 2 सीधे फंदे, धागा आगे, फिर 2 उल्टे फंदे। ऐसे 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे बुनते हुए हमने ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। जैसे हम 2x2 का बॉर्डर बनाते हैं, सेम वैसे ही हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है। तो ये जो हमारे लास्ट में 2 प्लस वाले फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बुनेंगे और किनारी वाले फंदे को भी सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी एक नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 2 नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें, 2 फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुनें। जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है, मतलब जो फंदे हमने सीधी सिलाई में सीधे बुने थे, हमने उसे उल्टी सिलाई में उल्टा बुनना है, और जो हमने सीधी सिलाई में उल्टे बुने थे उन्हें हमने उल्टी सिलाई में सीधा बुनना है। जैसा जो फंदा दिख रहा है उसे वैसे ही बुनते जाना है। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। ऐसे बुनते हुए हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। मेरे पास ये पहले से डिज़ाइन स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ 2 सिलाइयाँ डाली हैं। लेकिन अब जब आप पहली बार शुरू करेंगे, तो या तो आप ऐसे बॉर्डर बना लीजिए, 2 उल्टे 2 सीधे का, जितनी सिलाइयों को बुनना चाहते हैं, 5-7। अगर आप सिर्फ डिज़ाइन को शुरू करना चाहते हैं ऊपर से, तो ये मैंने जो 2 सिलाइयाँ बुनी हैं, तो आप यहाँ 4 सिलाइयाँ बुन लीजिए। 2 उल्टे 2 सीधे बुनते हम 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ 2 सिलाइयाँ उल्टे सीधे की डाली हैं और मैं तीसरी सिलाई में डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बेसिकली 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में हम बॉर्डर के कितनी भी सिलाइयाँ बुन सकते हैं। तो देखिए, 3 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारने के बाद 2 फंदे सीधे बुने। ये 2 फंदे सीधे बुनने के बाद, अब ये देखिए, ये जो बीच में है ये हमारा 1 फंदा है, ये 2 और ये 3। तो ये 3 फंदों के नीचे से हमने एक फंदा बुनना है। ये एक फंदा बुनने के बाद हम धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे। अब ये धागा पीछे लेकर जाने के बाद, जैसे हमने इधर 3 फंदों के नीचे से ये फंदा उठाया है, सेम वैसे ही हमने यहाँ भी, देखिए, 1, 2 और 3, ये 3 फंदों के नीचे से ऐसे हम ये फंदा उठा लेंगे। ये फंदा उठाने के बाद फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, 1, 2, 3, 3 फंदों के नीचे से ये फंदा उठा लेंगे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे,
फिर तीन फंदों के नीचे से फंदा उठाएंगे, दो तीन, और फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे। ऐसे बुनते हुए हमने ये सिलाई लास्ट तक कंप्लीट कर लेनी है। देखिए लास्ट तक हमने ऐसे बुन लिया है, और ये लास्ट के जो फंदे हम दो सीधे बुनेंगे और किनारी वाला फंदा भी सीधा। तो ये हमारी तीन नंबर सिलाई ऐसे कंप्लीट हो गई। चार नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, दो फंदे उल्टे बुनें। ये दो फंदे उल्टे बुनने के बाद ये जो फंदा हमने नीचे से बुना था इसे हम बिना बुने उतार लेंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे, फिर ये नीचे से बुने हुए फंदे को उतार लेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनेंगे। ऐसे करते हुए हमने ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। जो फंदा हमने नीचे से उठाया था उसे हमने बिना बुने उतार लेना है, फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टा बुनना है, सीधे दिख रहे हैं उन्हें सीधा बुनना है। ऐसे ही हम सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब पांच नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, उतारने के बाद अब ये जो हमारे दो फंदे सीधे हैं और ये एक नीचे से बुना हुआ फंदा है, हमने इनको ये तीन फंदों से दो बनाने हैं। तो देखिए कैसे बनाना है। पहले हम ये तीनों फंदों को पीछे से बुनेंगे और फिर इन्हीं तीनों फंदों को हम आगे से बुनेंगे। ऐसे हम एक बार पीछे से एक फंदा बुनेंगे और एक बार आगे से, ऐसे हम ये दो फंदे बना लेंगे। उसके बाद धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे। अब ये हमारे पास दो फंदे नीचे से बुने हुए हैं और दो फंदे सीधे हैं, तो हम ये चारों फंदों के दो फंदे बनाएंगे। इधर हमारे पास हमने एक फंदा नीचे से उठाया था इसलिए हमने ये तीन के दो बनाए, लेकिन अब ये हमारे पास चार फंदे हैं तो इन चारों फंदों को हम दो बनाएंगे। तो देखिए पहले की तरह ही ये चारों फंदों को हम पहले पीछे से बुनेंगे और फिर फंदों को बिना छोड़े आगे से एक फंदा बुनेंगे, तो ये हमारे चार फंदों से दो फंदे बन जाएंगे। फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, फिर उसी पैटर्न को रिपीट करें। चारों फंदों को पहले पीछे से बुनकर एक फंदा बुने, फिर चारों फंदों को बिना छोड़े उन्हीं चारों फंदों से एक फंदा आगे से बुने। तो ऐसे ही हम चार के दो दो फंदे बनाते हुए ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लें। देखिए यहाँ तक सिलाई बुनने के बाद ये हमारे पास लास्ट में भी तीन फंदे रह गए हैं, और इन तीन फंदों के भी हम जैसे हमने स्टार्टिंग में तीन फंदों के दो बनाए थे, लास्ट में भी तीन फंदों के दो बनाने हैं। सेम वैसे ही जैसे हम चार के दो बनाते थे, अब हम ये तीन फंदों को पहले पीछे से बुनेंगे और फिर इन्हीं तीन फंदों को आगे से बुनेंगे, और ये लास्ट का किनारी वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी पाँच नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। अब छः नंबर सिलाई में हम जो फंदा सीधा दिख रहा है उसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बुनेंगे। सेम वही दो सीधे दो उल्टे की बुनाई करते हुए हमने ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है।
तो फ्रेंड्स ऐसे हमने ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है और हमारा ये खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।